पौराणिक समय में पूरे देश में 12 स्थानों पर कुंभ लगता था, समय के साथ वह लुप्त हो गया। अब कुरुक्षेत्र भूमि पर भी कुंभ को जागृत करने का एक सिलसिला चला है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस लिए ये जरूरत महसूस हो रही है, कहाँ कहाँ अभी कुंभ लगता है? भारत एक महान देश है और यहाँ भारत की एकता और अखंडता के लिए अनादिकाल से बाद से कुंभ, जिसका प्रमाण धर्मशास्त्र में विराजमान है, जिसमें यह धर्म क्षेत्र और क्षेत्र ही एक आता है, यहाँ अनादिकाल से कुंभ लगता रहा। माँ सरस्वती लुप्त हुई और कुंभ भी लुप्त हो गया। यहाँ कल्पवास भी चलता था, वह प्रथा भी लुप्त हो गई। आज लोग केवल जानते हैं ग्रहण के समय में स्नानार्थ हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, जबकि यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ युग में एक महीना के लिए प्रत्येक वर्ष कल्पवास में और प्रत्येक 12 वर्षों पर जब वृश्चिक राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का योग आता था तो लोग कुंभ स्नान के लिए पधारते। यह दुर्लभ कुंभ योग वृश्चिक राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का योग पुनः बनने जा रहा है 5, 6, 7 दिसंबर। 5 दिसंबर को रात में 10:23 के बाद वृश्चिक राशि पर इन तीनों का योग होता है, जो 6 तारीख को भर दिन भर रात रहता है, 7 तारीख को दिन भर रात भर रहता है, सूर्योदय के पहले लगभग 6 बजे तक यह योग है। इस प्रकार से यह 2.5 दिन का इतना महत्वपूर्ण समय है, जो सब प्रकार से हमारे कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक पाप ताप को दूर करने वाला, चारों पदार्थ को देने वाला है। और फिर यह दुर्लभ योग 12 वर्षों के बाद ही आता है। तो इस योग में यहाँ स्नान करने से अभी भी पुण्य मिलेगा? जी, इस योग में जो व्यक्ति आस्था विश्वास के साथ, हमारा धर्म हमारी संस्कृति तो इसी पर टिका है, जो धर्म प्राण जनता इससे लाभ लेंगे, वे केवल अपना ही नहीं अपने पूर्वजों का भी और अपने आने वाली संतानों का भी सफल कर सकते हैं। तो अब सरस्वती लुप्त है, उसके बावजूद अगर कुंभ योग में यहाँ पे श्रद्धालु अगर स्नान करते हैं तो सरोवर में करें, कहाँ करें, किस तरह से? ब्रह्म सरोवर तो साक्षात गंगा मैया और सरस्वती मैया का स्वरूप ही वही है, जिनके दर्शन से अगजात। और उत्तरी भारत के लिए गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों अति पवित्र मानी जाती हैं। भारत में 7 मोक्षदायिनी नदियाँ कही गई हैं, ब्रह्म सरोवर में 7ों का वास कहा जाता है। इस प्रकार से अभी तो ब्रह्म सरोवर में उस दुर्लभ योग में वो स्नान बनाएंगे, जलपान करेंगे, उस समय उस शुभ मुहूर्त में ध्यान करेंगे, जिससे सब प्रकार से उनका कल्याण हो। स्वामी जी, आज कुंभ कहाँ कहाँ लगता है और लुप्त जो स्थान है वो कौन से हैं, कुंभ के जो लुप्त स्थान हैं जिनको जागृत किए जाने की जरूरत है? राजा हर्षवर्धन के समय में प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार का कुंभ पुनर्जागृत हुआ। कालांतर में विद्वत और संत समाज के सौजन्य से नासिक का कुंभ जागृत हुआ, तो लोग केवल 4 कुंभ के विषय में ही जानते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में कुंभकोणम वह भी लगातार चलता आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अभी 2017 में आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम मिथिलांचल का है, बिहार प्रांत में, जो गंगा मैया के किनारे अवस्थित है और अभी भी वहाँ कल्पवास की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। 3 कल्पवास की प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है, हरिद्वार की, प्रयाग की और सिमरिया धाम की। उस जगह 2017 के इस पुनित कार्तिक महीना में तुला की संक्रांति में सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति के योग से यह दुर्लभ कुंभ योग बना, जिसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और बिहार की जनता के द्वारा वह जो है सब प्रकार से सुसज्जित हुई। ऐसे भारत के अन्य प्रांतों से भी
हर प्राण जनता भगती और करोड़ों का हुआ सब प्रकार से हुआ सफल। और यहाँ का तुला के बाद वृश्चिक राशि का होता है, यह तो एक जागरण अभियान कहा जाए, निवेदन कहा जाए कि हम भारतवासी जगे अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करें और उस समय प्रयास करेंगे कि ऐसा सौभाग्य हो उस दुर्लभ युग में एक भव्य इस ब्रह्म सरोवर में लगे, इसी के लिए इस जगह आना हुआ, जगह चयन के लिए। और सौभाग्य से यहाँ के धर्म प्राण इतने जागृत मालूम पड़ रहे हैं और राष्ट्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया भी इतने जागृत दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके सौजन्य से लगता है कि निश्चित तौर पर इस दुर्लभ युग से केवल इस क्षेत्र की ही जनता नहीं, भारत की जनता और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के जो धर्म प्राण हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे।